मैंने बहुत कोशिश किया थी, लेकिन उस दिन उसने वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। अगर ऐसा था तो उसके पास दीदी का मंगलसूत्र कहां से आया? ये तो मुझे भी नहीं पता भाभी जी, लेकिन जब एक दिन वो घर आई थी तब उसे अदिति का मंगलसूत्र मिल गया होगा। तू घर आई थी? तू घर कब आई? अदिति एक दिन तुम नहा रही थी तब वो घर आ धमक पड़ी। मैंने तुम्हारे डर से उसे जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की और उसी वक्त शायद तो मंगलसूत्र उसके हाथ लग गया होगा। हम नहीं मानते इस बात को। ये साफ झूठ बोल रहे हैं आप। उर्मी, इस घर के दामाद से बात कर रही हैं आप? सम्राट जी, ये जो त्रिशा के बारे में बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, बल्कि इन्होंने खुद मंगलसूत्र दिया था उन्हें। त्रिशा बहन है हमारी, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा ये बता रहे हैं ऐसी वो है ही नहीं। ऐसी ही है आपकी बहन। ऐसी ही है। आप अभी तक नहीं समझ पाई उसे, मैं पहली मुलाकात में समझ गया था उसे। खबरदार, एक लफ्ज और कहा ना आपने उसके बचाव में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए डर डर के एक एक कदम रख रहा था ताकि तुम्हारा साथ कभी ना छूटे, ताकि हमारे प्यार पर कभी कोई आंच ना आए। और देखो ना दीदी, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। एट लास्ट वो लड़की हम दोनों के बीच में दरार डालने में कामयाब हो गई। अदिति, हमारा रिश्ता क्या इतना कमजोर है जो एक छोटी सी गलती की वजह से टूट कर बिखर जाए? अदिति, इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? तुम ही सोचो अदिति, आई लव यू, बस तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट करो। तुम्हें मेरी कसम है अदिति, ऐसे ही मेरा साथ देती रहो, फिर हर संकट से हम मिलकर अपने प्यार को निकाल लेंगे। मैंने ईश्वर से आज तक तुम्हारे अलावा कुछ नहीं मांगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दामाद जी, आप नीचे कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठिए। मम्मी जी, वो अदिति को समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा है, गलत फहमी जो दूसरों के कारण फैली है आपस में दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा है बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं ठहर जाओ। चलो दूध लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूं। कहाँ है बेटा, रुक जाओ, ये तुम्हारे घर है, चलो गरम गरम दूध पी लो। चलो बेटा रुक जाओ।
तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, है? देखो रात कितनी हो गई है। नहीं मम्मी जी, मेरा रुकना मुश्किल है। अदिति की नाराजगी में कैसे रुक सकता हूँ यहाँ? उसने अभी तक माफ नहीं किया मुझे, और ऐसे में रुकूंगा तो बेहया ही होगी ना। अदिति बिटिया, गुस्सा थूक दो। जो कुछ भी हुआ ना, उसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं है। ये घटना थी जो घट गई, अब भूल जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जियो। हाँ मम्मी जी, मैं चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि अदिति एक दिन मुझे माफ कर देगी। अदिति के बिना जीवन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये है तो सब कुछ है मेरे पास, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं।